मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके साथ तमाम पार्टियों के नेताओं के चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है। बीजेपी ने भी प्रदेश में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में एक रैली को संबोधित किया। इंदौर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, मैं अपनी प्रदेश भर की लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना की जो मेरी लाभार्थी बहनें हैं उन्हें 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं राजनीति भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं। अब ये जो बच्चे हैं, अब इनके भविष्य को मुझे देखना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है, इसलिए हम एक शिक्षा का नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। हम गरीब और मध्य वर्गीय बच्चों के लिए भी सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं का आना और उनका चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। पीएम मोदी शनिवार को रतलाम में थे। यहां के उन्होंने एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि एमपी में दो नेताओं के बीच कपड़ा फाड़ने की प्रतियोगिता हो रही है। गौरतलब 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। बने रहे डाक खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।